इंजन की सरकार ने झूठे मुकदमे करके उसको गवाही करा के तरह तरह से परेशान करके, और ये एक षड्यंत्र है, पूरे देश में चल रहा है। आपने देखा बंधु तिर्की जी के यहाँ जो छापा पड़ा था उस दिन क्या मिला था, लेकिन सदस्यता चली गई, क्योंकि जो न्यायालय में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं जिन एजेंसियों के द्वारा और जो पुलिस कर्मियों के द्वारा, उसी पर तो कोई निर्णय होता है। तो हम समझते हैं कि न्यायालय और साक्ष्य देखेगा और हम अगर जरूरत पड़ेगी तो अगली अदालत में जाएंगे। कुछ अलावा या फिर अभी पार्टी निकालने की भी बात चल रही है, ऐसा है क्या? ममता कुमारी को निकालने की भी बात चल रही है कांग्रेस पार्टी से, ऐसा? आंदोलन में जेल गई हैं, क्यों निकाला जाएगा? कतई संभव नहीं है। आंदोलनकारी को अगर पार्टी से निकाला जाए, कौन इस तरह की बातें कर रहा है? उनको पूरा सम्मान हम करते हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी वहाँ के विस्थापितों की, वहाँ के लोगों की लड़ाई लड़ी थी, उनकी नौकरी की लड़ाई लड़ी थी। कल आपने देखा है, पिछले दिनों दीपिका पांडे सिंह जी ने भी यहाँ लड़ाई लड़ी थी। आपने देखा है प्रदीप यादव जी कितने महीनों तक जेल रहे। तो ये तो कंपनी जो भारत सरकार के उस पर चल रही है संरक्षण में, वो ऐसी हरकतें करते रहते हैं, उन तमाम कंपनियों को भी करारा जवाब दिया जाए। आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा में जिस तरह से लाखों लोग समर्थन कर रहे हैं, आने वाले समय में हम पूरा हिंदुस्तान जीतेंगे। और जो आज लोगों ने जिस तरह की भागीदारी दिखाई है, हम कह सकते हैं आदरणीय राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने में झारखंड नंबर वन साबित होगा। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सुनील सिंह नाराज है, वो कह रहे हैं कि 2024 में राजेश ठाकुर कांग्रेस को सुनने पर ला। नहीं, वो तो देखिए, वो इस तरह की बातें सामने आती रहती है, सबकी अपनी अपनी वेदना है, उस पर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। 197 लोगों की कमेटी बनी है, दो चार लोग नाराज हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप तो जानते हैं कि जब भी कोई बड़े निर्णय होते हैं, पिछले 6 वर्षों से कोई कमेटी इसी डर से शायद नहीं बनाता था कि कहीं कमेटी बनेगी तो लोग नाराज हो जाएंगे। मैं नाराजगी लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो कार्यकर्ता काम किया है उसको सम्मान मिले, और सभी लोगों को सम्मान लगातार देने का काम चल रहा है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें और लोगों को सम्मान दिया जाएगा, और इस तरह की बातें आएंगी। लेकिन ये सत्य है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो संगठन सशक्तिकरण का काम हमने चलाया था, उसको देखते हुए बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि हम संगठन में काम करेंगे, और उसी का नतीजा है कि विरोध के स्वर उभर कर सामने आ रहे हैं। कार्यकर्ता वापस आएंगे? अरे कार्यकर्ता वो कहाँ कह रहे हैं कि हम पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी में कार्यकर्ता है, रहेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।